उड़ाते हुए और बाइक के साथ उड़ाते हुए आज तक दोस्तों इसको हम लखनऊ लेके गए। आरिफ भाई किससे मिलने गए थे तब अपने वाइटी को लेके गए थे और कन्नौज लेके गए, स्टेशन पर लेके गए, कहीं भी दोस्तों बाजार लेके गए, भीड़ में लेके गए, रोड पे उड़ाया, हर जगह दोस्तों अपने साथ रहता था, कभी भी इसने अपना साथ नहीं छोड़ा दोस्तों। बहुत ही वफादार अपना वाइटी था ये देखिएगा। और आज दोस्तों ये चला गया है ये देखिएगा। और दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जिस बिल्ली ने दोस्तों अपने वाइटी को खाया है ना दोस्तों, जिसने उसका दबोचा है, मारा है दोस्तों, उस बिल्ली को मैं बिल्कुल ही नहीं छोड़ूंगा। तो कल ही दोस्तों एक ऐसा वीडियो आएगा दोस्तों जिसमें हम आपको बिल्ली को पकड़ने का पूरा पिंजड़ा बनाएंगे दोस्तों। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल आदाब, उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। सो आज के वीडियो में दोस्तों हम दिखाने वाले अपने साइको को, देखेगा अभी इस खेत पे आए हुए हैं घुमाने के लिए, देखेगा अपना साइको अपने साथ आया हुआ है और इसी तरीके से दोस्तों अभी इसको वाक पे लाए, देखेगा बेटा उधर खरगोश नहीं मिलेगा आपको, भाग्याओ। चलो भी दिखाते हैं, आप भी साइको से दोस्तों भी दिखवाते हैं और अभी दोस्तों साइको को सामने वाली राय में घुसेड़ेंगे, देखते हैं उसमें कुछ निकलता है या नहीं। तो फटाफट से भी इधर आए और यहाँ पर दोस्तों अभी देखेगा साइको आगे आगे चल रहा है। साइको इधर आओ, पीछे आओ, ए चाला है बेटा, ए पानी है, इधर आओ, ऊपर आ जाओ, गुड बॉय, आ जाओ इधर, पानी में नहीं जाना है ना, पानी में नहीं जाना है, आ जाओ पीछे पीछे, चलो ऊपर आओ, ऊपर ऊपर से चलो, गुड बॉय, चलो सीधा सीधा चलो, गुड बॉय। ये देखिएगा दोस्तों इसको हमने जैसे ही बताया ऊपर से चलना है तो ऊपर से चलना स्टार्ट कर दिया है, ये देखिएगा अटैक, अभी दिखेगा अटैक अटैक, साइको आ जाओ, कम ऑन, सही देखिएगा दोस्तों। अगर आप लोग भी दोस्तों कोई पेट्स वगैरह रखते हैं तो उसको इस तरीके से घुमाना टहलाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि दोस्तों उनको भी थोड़ा मजा लगना चाहिए, उनको भी थोड़ा मस्ती आना चाहिए, जो कि आप लोगों को दोस्तों पता ही है अपना साइको दोस्तों। और इसकी एक चीज बहुत ही यूनिक है जो कि दिखाते हैं, अभी साइको इधर आ बेटा, देखिएगा इसकी ट्रेनिंग दिखाते हैं थोड़ा, अभी देखिएगा आपको दिखाते हैं, जस्ट कुछ टाइम से यहीं पर बैठ जाओ, रुक जाओ बेटा, इधर आओ साइको, इधर आओ बेटा, यहाँ बैठवा के, नो बेड बॉय, सिट, बैठ जाओ, सिट सिट, ये देखिएगा बैठ चुका है। सो अभी देखिएगा दोस्तों अपने साइको यहाँ पर बैठ चुका है और अभी साइको को बिठाएंगे, उसके बाद दोस्तों इसको स्टॉप बोलेंगे, सिट, फिर उठ गया है, सिट, गुड बॉय, स्टॉप, ये देखिएगा स्टॉप, साइको को स्टॉप बोल दिया और हम थोड़ा दूर जाते हैं, देखते हैं कितनी देर में अपने पास आता है। तो स्टॉप बोल दिया उसको और अभी वो पीछे बैठा हुआ है। सो देखिएगा दोस्तों अभी हम इतनी दूर आ गए हैं और अभी हम साइको को बुलाने वाले हैं और वो देखिएगा अपना साइको, अभी जूम करके दिखाते हैं, वो देखिएगा आराम से बैठा हुआ है वही जगह पे, तो फटाक से जैसे ही बुलाएंगे तो अपने पास आ जाएगा। तो देखिए देखिएगा अभी, एक दो तीन, साइको स्टार्ट, कम ऑन, ये देखिएगा, वो 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 वो, गुड बॉय। सो फाइनली दोस्तों अपना साइको इतनी दूर से अपने पास आ चुका है और जैसे ही दोस्तों हमने उसको स्टॉप बोला था तो वहां पर बैठा रहा था और जैसे हमने उसको कम बोला तो फटाक से आ गया, वो देखिएगा अभी जा रहा है उस साइड में, ए इधर आओ जल्दी भाग के घर, चलो 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 घर चलो, देखिए अभी घर की बात बोलेंगे तो फटाक से घर की साइड चलेगा, चलो घर, ये देखिएगा चल दिया आगे आगे और अभी हम घर जा रहे हैं, बाकी कबूतरों को दाना पानी कराते हैं उसके बाद। तो चलेगा दोस्तों अभी घर जा रहे हैं, देखिएगा साइको क्या देख रहा है इधर खेतों में, नो चलो सीधा घर चलो। तो अभी घर जाते हैं, उसके बाद दोस्तों अपने कबूतरों को दाना पानी करवाना है, बहुत सारे काम है दोस्तों घर पे, दाना पानी करवाना है कबूतरों को और इसको भी दोस्तों अभी बांधते हैं चल के, ये देखिएगा क्या देखता है। इसकी दोस्तों एक आदत है कि बहुत आगे चले जाएगा, उसके बाद वो खड़ा हो जाएगा, देखेगा कि मैं किस साइड में जा रहा हूँ, जो कि देखिएगा अभी वो उस साइड में गया है और अभी देखिए आगे जा रहा है, उसके बाद देखिए किस तरीके से भी रुक जाएगा यहीं पे, ये देखिएगा, ये देखिए रुक गया, देख लिया, यही करता है दोस्तों, जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा फिर रुक गया, फिर आगे बढ़ा फिर रुक गया। तो चलिएगा अभी चलते हैं सीधा घर, चलो बेटा भाग के, अभी स्पीड चेक करवाते हैं, भाग, ओए ओए ओए, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, कुत्ते हैं उधर एक्स्ट्रा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैड बॉय, नो आओ, ये देखिएगा दोस्तों बिना पट्टे के घूमता है और देखिएगा पिल्ले वगैरह है कोई किसी पे, ए साइको इधर आओ, ये देखिएगा किसी पे भी दोस्तों अटैक वगैरह नहीं करता है और ये ओए साइको चलो, ये देखिएगा बिना पट्टे के तो घूम रहा है दोस्तों, नो गंदी बात, चलो घर चलो चलो घर चलो चलो चलो, गुड बॉय। सो फाइनली दोस्तों अभी हम लोग घर पर पहुंच चुके हैं, आगे इसको लेके अभी कबूतरों को दाना पानी करवा देते हैं, चढ़ जाओ चढ़ जा चढ़ जा, ये देखिएगा इसको बालू के ढेर पे चढ़ा दिया है अभी, चढ़ जा बेटा ये खेल ले, गुड बॉय, फिर चढ़ जा फिर चढ़ जा, ये देखिएगा खेल ले ऊपर बैठ जा। सो अभी घर आ चुके हैं हम लोग, इसको बालू पे चढ़ रहा है, फिर चढ़ जा जा चढ़ जा, ये देखिएगा फुल एक्टिव है अभी, ये देखिएगा और कोई भी पट्टा वगैरह नहीं रखते इसको, ऐसे खुला रखते हैं, आ जा बेटा कम ऑन,
गुड बॉय। तो अभी आ गए दोस्तों छत के ऊपर। क्या हुआ इसको? बिल्ली ने पकड़ लिया। व्हाइटी? हाँ व्हाइटी। कितनी देर हुई? अभी तो थोड़ी देर पहले पकड़ लिया। कहाँ आती बिल्ली? इधर से आई, घर पकड़ लिया आके। तुम लोग गए थे? हम लोग जल लगाया है, उधर लेके चली गई, लेके आए। सो फाइनली दोस्तों अभी देखेगा, जैसे ही हम छत पे आए तो अभी हमको आमिर ने बताया कि यहाँ पे अपने वाइफ को बिल्ली ने पकड़ा हुआ है। और यहाँ पर दोस्तों वो क्रेट के नीचे बंद था इसमें, और किसी ने शायद ये देखेगा इसके नीचे रहता है दोस्तों, क्योंकि हमने इसके पहले पर उखाड़े हुए थे और पर टूट गए थे, तो हमने पर उखाड़े थे कि उसको थोड़ा सा पर ठीक हो जाए। और ये देखिएगा, और इसके नीचे रहता था दोस्तों, तो किसी ने इसका दरवाजा खुला छोड़ दिया। हम तो साइको के लेकर दोस्तों खेत पे गए हुए थे, और अभी जैसे ही हम उसको आए साइको को घुमा के, यहाँ पर आमिर ने बताया कि बाइटू को बिल्ली ने पकड़ लिया है। और बिल्ली शायद दोस्तों इस साइड से आई थी और इस साइड चली गई है भाग के इधर। और यहाँ पर अभी क्रेटें लगाई हुई हैं, पहले यहाँ पे क्रेटें नहीं थी। तो अभी दिखाते हैं बाइटू को, ये देखिएगा दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये अपना बाइटू, अपना सबसे फेवरेट कबूतर है। बहुत ही दुख हुआ दोस्तों, क्योंकि हम अभी गए थे जस्ट इसको छोड़ के यहीं पे। ये देखिएगा, दोपहर में दाना पानी हमने अपने हाथ से कराया था इसको, ये पूरा पोटा फुल करा के गए थे। पता नहीं किस बच्चे ने दोस्तों गेट खोल दिया इसका। और इन्हीं कबूतरों की केयर के लिए दोस्तों हमने कितना अच्छे से पहले मेंटेन किया था, देखिएगा अभी दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा, हमने सबसे पहले जो शुरुआत की थी वहाँ पे ओल्ड वाला लोफ्ट था अपना, जो कि आप लोग देखते हैं। उसके बाद दोस्तों हमने इतना भारी भरकम ये देखिएगा बनवाया हुआ है सिर्फ कबूतरों के लिए, क्योंकि अपने कबूतर अच्छे से रहेंगे दोस्तों तो हमको अच्छा लगता है। उसके बाद दोस्तों ये काम बना ही था, इसके बाद दोस्तों ये भी बनना स्टार्ट हो गया था कबूतरों के लिए। और इसके बाद दोस्तों अपना ये देखिएगा क्या हो गया आज आप लोगों के सामने। अभी हम जस्ट उसको साइको को घुमाने बाहर ले गए थे दोस्तों, तो इतने में ही देखिएगा हमारा वाइटी जो कि दोस्तों अभी इस दुनिया में नहीं रहा है। ये देखिएगा बिल्ली ने इसको मार दिया है। काफी भाइयों के दोस्तों कमेंट आ रहे थे कि वाइटी की वीडियो क्यों नहीं डाले। वाइटी की वीडियो दोस्तों इस वजह से नहीं डाल लेते, क्योंकि अभी देखिएगा इसके पर उखाड़े हुए थे हमने, ये पिंजड़े में रहता था तो पर सारे इसके टूट गए थे, फिर हमने इसके पर निकाले थे कि इसके जो पर हो जाएंगे अच्छे तमेंगे तब इसको अच्छे से उड़ाएंगे। सर्दियों में हमने इसको एक दिन भी नहीं उड़ाया, क्योंकि हमें बहुत लगाव था इससे दोस्तों। ये देखिएगा, और आज अपना वाइटी चला गया है। ये देखिएगा, बहुत दिन से दोस्तों हमने इसको बचपन से पाला था, जब भी छोटा था। ये देखिएगा, लगभग 1.5 साल से हो गया दोस्तों इसको अपने पास रखते हुए और बाइक के साथ उड़ाते हुए। आज तक दोस्तों इसको हम लखनऊ लेके गए, आरिफ भाई किससे मिलने गए थे तब अपने वाइटी को लेके गए थे, और कन्नौज लेके गए, स्टेशन पर लेके गए, कहीं भी दोस्तों बाजार लेके गए, भीड़ में लेके गए, रोड पे उड़ाया, हर जगह दोस्तों अपने साथ रहता था, कभी भी इसने अपना साथ नहीं छोड़ा दोस्तों। बहुत ही वफादार अपना वाइटी था। ये देखिएगा, और आज दोस्तों ये चला गया है। ये देखिएगा, बहुत ही अच्छे से इसकी ट्रेनिंग की हुई थी। हमने दोस्तों ज़्यादा कबूतरों की ट्रेनिंग नहीं की थी, कभी आप लोगों ने देखा होगा कुछ दिन पहले हमने सुल्तान की ट्रेनिंग की हुई थी, उसके बाद दोस्तों हमने अपने वाइटी की ट्रेनिंग की हुई थी। वाइटी पहले से था, उसके बाद सुल्तान की ट्रेनिंग की, तो सुल्तान दोस्तों एक्सपायर हो गया था बीमारी की वजह से, तो सर्दी में दोस्तों, तो उसके बाद हमारा वाइटी था। हम सोच रहे थे चलो वाइटी है उससे वीडियो वगैरह बनाया करेंगे, शूट करेंगे। अभी देखिएगा दोस्तों, आज अपना वाइटी भी नहीं रहा है, तो चलिए पहले साइको को दिखा लेते हैं एक बार, क्योंकि साइको इसके साथ काफी अच्छी वीडियो बनती थी। साइको के साथ भी काफी ज्यादा घुला मिला हुआ था अपना वाइटी, तो पहले साइको को एक बार दिखा लेते हैं, उसके बाद दोस्तों इसको सीधा लेके चलेंगे, दफना देंगे। और इसकी सारी दोस्तों एक पार्ट से लेकर के दोस्तों हमने 5 पार्ट तक वीडियो बना करके ट्रेनिंग की डाली हुई। अब तो दोस्तों इस टाइम पे हर कबूतर बाज बाइक के साथ उड़ा रहे हैं कबूतर, लेकिन जब अपने वाइटी को हमने ट्रेन किया था उस टाइम पे बहुत ही कम लोग उड़ाते थे, तो हमने इसकी एक पार्ट से लेकर के 5 पार्ट तक स्टेप बाय स्टेप इसकी सारी ट्रेनिंग की वीडियो डाली हुई थी। तो दोस्तों अब ये तो रहा नहीं है, इसकी वीडियो है दोस्तों, इसकी यादें बहुत ही जुड़ी हुई है हमारे साथ, जो कि हमेशा इसको हम याद रखेंगे। और आज ही दोस्तों इसको दफन बाद में करेंगे, उससे पहले दोस्तों क्या करेंगे, एक छोटा सा बच्चा कोई निकालेंगे जिसका नाम दोस्तों वाइटी ही रखेंगे। कोशिश करूंगा दोस्तों उसकी भी ट्रेनिंग की वीडियो डाला करूंगा, ताकि आप लोग भी जिस तरीके से वाइटी उड़ता था दोस्तों, इसी तरीके से आप लोग भी अपने बच्चों को ट्रेंड कर पाए, उड़ा पाए। आप लोग काफी अच्छे कमेंट करते हो कि सुल्तान भाई जिस तरीके से आप समझाते हो कबूतरों के बारे में, ट्रेनिंग वगैरह के बारे में, ऐसा कोई नहीं बताता। कोई नहीं दोस्तों, हम फिर कोशिश करेंगे, अभी जो नया कबूतर लाएंगे उसकी ट्रेनिंग जिस तरीके से करेंगे, उम्मीद करेंगे दोस्तों उसको वाइटी के तरीके से बनाएंगे। अब हम इसको नहीं बचा सके, क्योंकि दोस्तों बिल्ली अल्लाह और उसके रसूल का जो भी मर्जी है दोस्तों वही हुआ है, क्योंकि इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। तो देखिएगा दोस्तों, अभी हम इसको लेके चल रहे हैं, और ये अपने बाकी के कबूतर हैं दोस्तों, इसके खून वून लगाए तो दोस्तों इनको नहीं बचा सकते हैं।
डर जाएंगे कबूतर। तो अभी सीधा इसको साइको को दिखा देंगे एक बार, उसके बाद दोस्तों इसको दफन कर देते हैं। और इसको दफन करने के बाद दोस्तों एक छोटा सा पट्ठा लाएंगे जो इसकी ट्रेनिंग करेंगे जिस तरीके से इसकी की थी। तो चलिएगा दोस्तों अभी इसको सीधा लेके चलते हैं, साइको से मिलवाते हैं और फिर इसको दफन कर देंगे अपने वाइटी को। बहुत ही प्यारा बच्चा था हमारा ये, इसको दोस्तों हमने बहुत ही अच्छे से पाला हुआ था, 1.5 से 2 साल हो गए दोस्तों इसको साथ रखते थे। तो रात को जब तक हम वीडियो एडिट करते थे तब तक ये अपने साथ ही खेला करता था, और जब हमारी वीडियो एडिट करके हम सोने जाते थे तब दोस्तों हम इसको यहाँ पे बंद कर देते थे। यही दोस्तों हम बहुत दिनों से करते आ रहे हैं। जिस तरीके से लखनऊ में एक इंटरव्यू हुआ था न्यूज़ पे, वहाँ पर भी हमने ये बताया था कि जब तक हम एडिटिंग करते हैं तब तक ये हमारे कंधे पर बैठा रहता है। तो ये देखिएगा, तो अभी क्या करते हैं दोस्तों, अब इसको दफन कर देते हैं क्योंकि शाम का टाइम हो गया है और अपने पास ज़्यादा टाइम है नहीं दोस्तों, तो चलते हैं सीधा। सो देखिएगा दोस्तों, अभी हम जहाँ पर साइको को घुमाने लाए थे वहीं पर अपने वाइटी को लेकर आए हैं। ये देखिएगा, यहीं पर वाइटी को इधर अच्छी जगह वहाँ पर दोस्तों दफन करेंगे, वहाँ पे गोलर के पास। और यहीं पर दोस्तों अभी हम साइको की जो वीडियो बना रहे थे यहीं से जस्ट अभी गए थे, अभी साइको को हमने दिखाया नहीं है, हम उसको लुकाए हुए हैं। अभी साइको को दिखाते हैं फिर देखेंगे उसका क्या रिएक्शन रहने वाला है। अभी तो वो चल रहा है सीधा। जैसे ही दोस्तों पिछले वाला सुल्तान जब दोस्तों एक्सपायर हुआ था तभी साइको बहुत ही ज़्यादा अफसोस कर रहा था, और काफ़ी आप भाइयों के काफ़ी ज़्यादा कमेंट आए थे कि सुल्तान भाई आपसे ज़्यादा दुखी आपका साइको लग रहा है। और अभी देखिए साइको साइड जा रहा है, तो हम फटाफट से इधर आ जाते हैं इसको लेकर। ये देखिएगा, अभी साइको को दिखाएंगे, अभी उसने अच्छे से नहीं देखा है पहले। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, एक इसके लिए अच्छा सा गड्ढा खोद लेते हैं, उसके बाद इसको पहले अब दिखा ही देते हैं। चलो काफी टाइम हो गया है दोस्तों। साइको इधर आ बेटा, इधर आओ, इधर आ बेटा, साइको साइको इधर आओ, सिट सिट सिट। ये देखो बेटा क्या हुआ, ये देखो, ये देखिएगा दोस्तों कितना, ये देखिएगा, ये देखिए बहुत ज़्यादा दोस्तों परेशान हो जाता है साइको अपने भाई कबूतरों को ऐसे परेशान देख करके। ये देखिए, कुछ लोग बोलते हैं खाने को कर रहा है, लेकिन दोस्तों नहीं, आपको अगर नहीं यकीन है तो पिछली वीडियो देखिएगा। ये वही जगह है दोस्तों जहाँ पर हमने अभी कुछ दिनों पहले अपने सुल्तान को दफन किया था दोस्तों। तब आप काफ़ी ज़्यादा लोगों के दोस्तों कमेंट आ रहे थे कि सुल्तान भाई इस सुल्तान को क्या हुआ है आपके, और इसको कैसे क्या हो गया। अभी न्यू वाले सुल्तान को जब दफन करने आए थे, और उसको दोस्तों जैसे ही दफन कर रहे थे साइको अपना इस तरीके से मिट्टी हटा रहा था और आगे हाथ लगा रहा था कि इसको दफन ना करो, क्योंकि उसकी साइको से बहुत ही अच्छी दोस्ती थी दोस्तों। और आज ये देखिएगा वाइटी का हो गया है सब कुछ, तभी वाइटी को भी दफन करने आए, तभी दोस्तों अपना साइको आया है साथ में। ये देखिएगा बेटा, वाइटी नहीं रहा है बेटा, ना ना बैठ जाओ। ये देखिएगा दोस्तों, बहुत ही दुख होता है हमारे साइको को, क्योंकि इनके बहुत ही खास रहते हैं दोस्तों, सब समझते हैं। ये देखिएगा, बहुत ही सब समझता है हमारा साइको, बहुत ही समझदार है। और आज अभी वाइटी को भी दफन करते हैं दोस्तों। वीडियो बनाने का दोस्तों हमारा कोई मकसद नहीं था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सुल्तान कैसे मरा कैसे मरा। तो दोस्तों इसी वजह से अभी वाइटी वाले में हमने कहा चलो थोड़ा बता दिया जाए लोगों को, वरना अगर इसकी भी बहुत लोग कमेंट करेंगे कि क्या हुआ वाइटी दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा क्या हुआ, तो तभी हमने सोचा चलो इसको भी। और व्लॉग दोस्तों हमारा पहले से ही बना हुआ था कि जो हम वाइटी इसको साइको को दोस्तों भी यहाँ थोड़ी देर पहले हमने घुमाने को लाए थे दोस्तों। दिमाग काम नहीं कर रहा, क्या बोलना है क्या बोले। ये देखिएगा वाइटी, ये देखिएगा, ये दोस्तों अपना वाइटी है, लास्ट टाइम देख लीजिएगा आप लोग। ये देखिएगा वाइटी, ये देखिएगा, बहुत ही प्यारा था दोस्तों। जो एक बार बुलाने पे दोस्तों आ जाता, रात के 2 बजे तक अगर मैं रूम में बोलता दोस्तों वॉइस ओवर करता तो फटाक से घूं घूं की आवाज़ करने लगता था। और लगभग 1 महीना हो गया था दोस्तों हमने इसको मोटरसाइकिल के साथ नहीं बुलाया था, ना ही इसकी कोई वीडियो बनाई थी। सारी वीडियो दोस्तों पहले इसको अच्छे से दफन कर देते हैं, उसके बाद दोस्तों आपको मेंशन करेंगे, देख लेना राइट साइड में सारी वीडियो दिखाते रहेंगे इसकी। और आप अपने वाइटी को रखते हैं यहाँ पे। तो देखिएगा दोस्तों, अभी हमने गड्ढा अच्छे से खोद लिया है, अभी इसको रखने वाले हैं। साइको दोस्तों इसको रखने नहीं दे रहा है, जिस तरीके से सुल्तान को जब दफन करने आए थे तब भी अपना साइको बहुत ही ज़्यादा बीच में कूद रहा था, रखने नहीं दे रहा था इसको। तो पहले क्या करते हैं, पन्नी रख लेते हैं। पिछली बार दोस्तों कागज़ रखा था, तो एक भाई का कमेंट आया था कि वो गल जाएगा, तो हमने अब की बार कहा पन्नी रख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, पहले पन्नी रख लेते हैं ऐसे, एक पन्नी नीचे, साइको देखे किस तरीके से उदास बैठ गया यहीं पे। ये देखिएगा, और अभी इसको यहीं पे रख देते हैं इस तरीके से। ये देखिए, देख लो साइको, ये देख लो वाइटी चला गया, ये देख, ना चाटो ना चाटो ना। ये देखिए, बहुत ही दुख होता है हमारे साइको को,
रखा है को पार्टी के साथ घूमोगे, वीडियो बनाओगे? तो दफना देते हैं दोस्तों इसको, रख देते हैं। ये देखेगा रखती है साइको, मिट्टी डाल दे। ये देखिए निकाल रहा है दोस्तों, इसको अलग हटा देते हैं, ऐसे नहीं दफन करने देगा साइको। चुप जाओ, चुप पे बैठ जाओ, अलग बैठो, अलग बैठो। वाइटी चला गया, उसको उसको दफन कर देते, हट जाओ पीछे। नहीं गंदी बात, ऐसे बैठे रहो बेटा, नहीं बेटा गंदी बात, हट जाओ, हट जाओ, दूर हटो, चुपचाप चुपचाप दूर हटो। देखिएगा दोस्तों किस तरीके से मना कर रहा है ये, कि वाइटी को निकाल लो। ऐसे ही दोस्तों जब सुल्तान को दफन करने आए थे तब भी ये नाटक कर रहा था। अब हम इसको इस साइड में कर देते हैं, फिर ये देखिए हट जाओ वाइटी, साइको तुम दूर हटो। को दूर हटो, तो फाइनली दोस्तों देखिएगा बहुत ही समझाने के बाद साइको को शांत किया है। अब हम इसको जल्दी से मिट्टी में दबा देते हैं दोस्तों। ये देखिएगा दोस्तों इसको हमने यहाँ पे दफन कर दिया है, साइको चुपचाप बैठ गया। देखिए किस तरीके से उदास है, एक बार दिखाइएगा साइको को, पास से दिखाइए। खोदो ना, दूर हट जाओ, दूर हट जाओ, ऐसे लेटर आप खोदो ना। सो देखिएगा दोस्तों हमने वाइटी को यहाँ पे दफन कर दिया है। बहुत ही दुख हुआ दोस्तों, क्योंकि हमने इतना सा था दोस्तों जब से अपने आप से पाला और उसको दोस्तों बाइक के साथ उड़ाया और बहुत दूर दूर तक लेके गए दोस्तों। आरिफ भाई के पास गए थे तब भी लेके गए, हर जगह दोस्तों उसको लेके जाते थे। और साइको भी साथ में रहता था, और साइको तो अभी आया था दोस्तों, अभी इसको आए 8 महीने नहीं हुए हैं, और वो दोस्तों 1.5 साल का हो गया था अपने पास। आप लोगों से दोस्तों यही उम्मीद करूँगा कि आप लोग इस तरीके से कोई उल्टा सीधा कमेंट ना करें, क्योंकि दोस्तों कोई भी कुछ भी जानबूझ के नहीं करता है। और जो कबूतर रखते हैं एक्चुअल में दोस्तों, जो कबूतर पालते हैं वो लोग कभी भी गलत कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि इसका दुख क्या होता है। और जो कबूतर नहीं रखते हैं वो लोग उल्टे सीधे कमेंट करके जाते हैं, कोई नहीं दोस्तों, जो जिसकी जैसी सोच है वो वैसे ही कमेंट करेगा। और दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जिस बिल्ली ने दोस्तों अपने वाइटी को खाया है ना दोस्तों, जिसने उसका दबोचा है, मारा है दोस्तों, उस बिल्ली को मैं बिल्कुल ही नहीं छोड़ूंगा दोस्तों। कल ही दोस्तों एक ऐसा वीडियो आएगा दोस्तों, जिसमें हम आपको बिल्ली को पकड़ने का पूरा पिंजड़ा बताएंगे दोस्तों, कि किस तरीके से बिल्ली को पकड़ने का पिंजड़ा बनाया। अभी तक दोस्तों हम बिल्ली को कुछ नहीं कहते थे, और अभी भी दोस्तों हमारे इस्लाम में, धर्म में जो कि है, बिल्ली को मारना नहीं चाहिए ये लिखा है। तो इसी वजह से उसको मारेंगे नहीं, लेकिन दोस्तों उसको पकड़ेंगे जरूर, क्योंकि उसने हमारे वाइटी को मारा है दोस्तों। हम उसको बिल्कुल भी माफ नहीं करेंगे, बिल्ली को पकड़ेंगे, पकड़ के दोस्तों उसको कहीं दूर छोड़ेंगे। और बिल्ली को किस तरीके से पकड़ते हैं, उसका पिंजड़ा दोस्तों बनवाएंगे, अपना एक पिंजड़ा बनाएंगे दोस्तों। सुबह में जो वीडियो बनाएंगे तो पिंजड़ा किस तरीके से बनाते हैं वो भी बताएंगे। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं दोस्तों। आज का हमारा ब्लॉग दोस्तों बहुत हैप्पी मोड से स्टार्ट किया था, बहुत सैड हो गए दोस्तों जाते जाते। मुझे पता है दोस्तों आप लोगों को ब्लॉग बिल्कुल भी पसंद नहीं आया होगा, तो चलिएगा अभी घर चलते हैं सीधा। चलो बेटा, चलो बेटा, चलो बेटा घर, चलो।